हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में ये समझेंगे कि आईटीसी 02 कैसे भरना है, क्या क्या डिटेल्स हमें इसमें डालनी है और किस तरह से इसको फाइल करना है। पर इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप इस पे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे रेगुलर वीडियो अपलोड्स के बारे में पता चले। साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए जहाँ पे मैं जीएसटी इन्फोग्राफिक्स अपलोड करती हूँ। अब वापस आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, यानी आईटीसी 02 कैसे भरें। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है या फिर आपको कोई और एंटिटी टेकअप कर रही है ऑन अकाउंट ऑफ सेल, लीज, अमालगमेशन, डीमर्जर, मर्जर एक्सेट्रा, तो आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन कर सकते हो ट्रांसफेरी एंटिटी को, यानी जो एंटिटी आपको टेक ओवर कर रही है। पर इसके लिए आपको फॉर्म आईटीसी 02 भरना होगा। साथ ही हमारे सेक्शन की रिक्वायरमेंट आती है कि अगर आप फॉर्म आईटीसी 02 भर रहे हो तो आपको कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लेना होगा, तो उसकी भी डिटेल्स हमें इस फॉर्म में डालनी होती है। अब देखते हैं कि किस तरह से ये फॉर्म फाइल किया जाएगा। पहले आप आइए अपने डैशबोर्ड पे, इसमें आप जाइए सर्विसेज में, फिर रिटर्न्स में जाके आईटीसी फॉर्म्स में। आप देखेंगे सेकंड कॉलम आता है जीएसटी आईटीसी 02। इसमें प्रिपेयर ऑनलाइन का ही ऑप्शन है, यानी आप इसको ऑफलाइन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। क्लिक कीजिए प्रिपेयर ऑनलाइन पे। जैसे ही आपने फॉर्म पे क्लिक किया तो हमारे पास लिखा हुआ आया डिक्लेरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18। यानी अगर आप किसी भी इन मेंशन रीजंस की वजह से अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको ये फॉर्म भरना है। अब आप इधर मेंशन करेंगे ट्रांसफेरी का GSTIN, यानी जिसको भी आप क्रेडिट पास ऑन करना चाहते हो उसका GST नंबर आप मेंशन करोगे। मेंशन करते ही उसका लीगल नेम और उसका ट्रेड नेम ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। फिर आपके पास आता है डिटेल्स ऑफ आईटीसी टू बी ट्रांसफर्ड। इसमें सेकंड कॉलम आता है अमाउंट ऑफ मैच्ड आईटीसी अवेलेबल, यानी अगर आपके क्रेडिट लेजर में कोई भी डिटेल्स होंगी इनपुट टैक्स क्रेडिट की तो वो ऑटोफिल हो जाएंगी रिस्पेक्टिव हेड्स में, यानी कौन से टैक्स में आपका वो क्रेडिट अवेलेबल है। तीसरा कॉलम इसमें है अमाउंट ऑफ मैच्ड आईटीसी टू बी ट्रांसफर्ड, यानी जो भी अवेलेबल क्रेडिट है, या तो आप उसको पूरा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सारे फिगर्स एज इट इज लिख दीजिए, बट अगर आप पार्शियली ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उतना पार्शियल अमाउंट आप इधर मेंशन कर दीजिए। मेंशन करने के बाद आप सीए की डिटेल्स इसमें दीजिए, यानी किस फर्म ने आपको इशू किया है वो सर्टिफिकेट, क्या उस सीए का या कॉस्ट अकाउंटेंट का नाम है, उसका मेंबरशिप क्या है और किस दिन उसने वो सर्टिफिकेट इश्यू किया है। फिर आप उस सर्टिफिकेट को अपलोड भी करेंगे और ध्यान रखिएगा कि वो फाइल साइज आपका 500 KB से ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपको फिर एरर शो करेगा। ये करने के बाद आप इस फॉर्म को सेव कीजिए। अगर आप इससे सहमत हैं तो इसको फाइल कीजिए अपने EVC या DSC से। अब बात आती है ट्रांसफेरी को एक्चुअल में क्रेडिट मिलेगा कैसे। जैसे ही आपने अपनी तरफ से ये फॉर्म सबमिट कर दिया तब आप देखेंगे कि ट्रांसफेरी के पोर्टल पे भी ये रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। जैसे ही ट्रांसफेरी लॉगिन करेगा वो सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में जाके देखेगा कि वहां लिखा हुआ आएगा आईटीसी 02 पेंडिंग फॉर एक्शंस। इस पे क्लिक करते ही ये इंटरफेस आ जाएगा जहां पे उसको एक ARN रिफ्लेक्ट करेगा और किस दिन आपके ट्रांसफेरर ने वो फाइल किया है ये उसको रिफ्लेक्ट करेगा। आप ARN पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि कितना क्रेडिट आपके पास उन्होंने सेंड किया है, यानी ट्रांसफर किया है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज आप उसे रिजेक्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आप इस फॉर्म को DSC या EVC के थ्रू फाइल कीजिए और जैसे ही आप फाइल करेंगे तो आपको वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।